वैसे तो पैसे में तो आग लगे रहे, बाकी चीज अच्छी लो तो फायदा है ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू तगड़ा वाला वीडियो। होप तुम सभी अच्छे। नहीं यार, ताबड़तोड़ हो गए और इंदौर वालों का भैया राम, क्योंकि तुम्हारे कहने पे पहुंच गए हैं राव पटाखा मार्केट एक्सप्लोर करने। और भाई सीरियसली, इस बार पटाखे इतने महंगे ना, अगर कोई आम इंसान खरीद ले तो बहुत बड़े लेवल की बात हो जाएगी, ठीक है। और अगर भाई अभी भी सजेशन दे रहा हूँ, जिसने नहीं खरीदा जल्दी खरीद लो, क्योंकि भाई जिसने एक महीने पहले खरीद लिए होगे ना, वो प्रॉफिट में, और तुम अभी खरीद लो क्योंकि दिवाली के टाइम भाई आसमान के ऊपर रेट चले जाएंगे, क्योंकि इस कदर रेट बिगड़े हुए। मैं पूरा मार्केट घूम चुका हूँ, मैं दिन में आ गया था और कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए, एक एक दुकान जाके हर चीज़ का प्राइस देख लिया। भाई आसमान छू रहे प्राइस, सीरियसली। तो ठीक है, और मेरी एक दुकान से बात हुई थी माला फायर वर्क, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ के रेट देखते हैं। वो रेट सिर्फ राव के हिसाब से रहेगी, उसको अलग जगह से कंपेयर मत करना, तो ठीक है। और दूसरी चीज़, जो इस चैनल पर नया आया हो ना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना, ठीक है। तो भाई चलते हैं मार्केट एक्सप्लोर करते, बने रहना, स्किप मत करना, और भाई अपने भाई का नाम भूलना मत। जय चांदना 2.0 AKA जय कान शिकरे। तो ये अपने भैया है जो आज हमको गाइड करने वाले हैं। तो भैया आप सबसे पहले शॉप का एड्रेस बता दोगे? शॉप नंबर है 12 मालवा फायर वर्क्स, मालवा फायर वर्क्स, सिलिकॉन सिटी राव, सिलिकॉन सिटी राव के अंदर है। जो कौन से नंबर शॉप है अपनी? 12 नंबर शॉप है। तो भाई आज भैया की शॉप पे आए हैं, तो ये जो भी रेट्स बताएंगे भाई, ये राव के हिसाब से है, ठीक है। इस बार थोड़ी सी हाइक है प्राइस में, कितने परसेंट हाइक है भैया? 20-30% हाइक है। और अपन इंदौर के रीजनल पार्क में गए थे तो उन्होंने 40% तक की बताई थी। तो इस बार पटाखे महंगे, तो फिर भी चलो चालू करते हैं, राव में क्या रेट मिल रहा है पटाखे के। तो भैया अपना हमेशा स्टार्ट फैमिली आइटम से होता है, तो फैमिली आइटम अपनी फुलझड़ी से स्टार्ट करते हैं। फैमिली आइटम अपनी फुलझड़ी आती है, पहले फुलझड़ी जो है 45 रुपए की। 45 रुपए की कितने पीस है? 100 पीस है, 100 काड़ी है, 10 पीस है। और भाई 45 रुपए की है, 100 काड़ी आएगी अंदर, 10 पीस का पैकेट है, तो मतलब 4.5 रुपए का एक पैकेट पड़ रहा है। एक ही है, नहीं 5 पैकेट आते हैं इसके अंदर, ये है 45 रुपए का, ये 45 रुपए का, ये 45 रुपए का पैकेट है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है इससे? इसके अंदर 50 काड़ी, इसके अंदर 100 काड़ी है, 50 और 100 काड़ी है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी साइज आप बढ़ा सकते हो? साइज बड़ा है ना इसके अंदर, ये 1200, ठीक है। ये इससे हल्की सी साइज बड़ी है, जैसा कि तुमको दिख ही रहा होगा। ये क्या रेट पड़ रही है भैया? ये 120 रुपए के 10 पीस है, ये मतलब 10 फुलझड़ी एक पैकेट में आएगी। तो भाई ये 120 रुपए का पैकेट पड़ रहा है, तो इससे एक ऊपर साइज में कोई और भैया? ये तो सबसे छोटी साइज हो गई, 60 cm है, 40 cm है। तो भैया ये तो चलो बहुत बड़े लेवल की हो गई, ठीक है। 60 cm क्या पड़ रही है इसकी साइज? तो भाई देख ही लो तुम, 160। इसके पहले वाले पे मैंने तुम्हें 50 सेंटीमीटर की बताई थी, और ये 60 सेंटीमीटर की। 60 सेंटीमीटर के बाद अपन ने हाईएस्ट 75 सेंटीमीटर देखी थी, और इधर अपने पास 100 सेंटीमीटर पड़ी है, 100 सेंटीमीटर भैया। इसको मैंने ओपन कर रखा था, आप ओपन कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। भाई ये है अपना 100 सेंटीमीटर, इसकी साइज देखो तुम, और पूरी स्पार्कल वाली, और 5 पीस आई है, निकलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या पड़ रही है भैया 100 सेंटीमीटर? 300 रुपए की, 300 है, ठीक है भाई। तो कुछ चीजें जिस पर होलसेल रेट है, और कुछ चीजें जिस पर रिटेल रेट है। तो भाई तुम इसके आगे, जैसे ये फुलझड़ी तो अपन कवर हो गई, तो फुलझड़ी में फिर भी क्या क्या रेट है आप डायरेक्ट बता सकते हो? अपने हैं यार 45 रुपए से लेके अपने 300 रुपए, 320 रुपए, मतलब 45 से स्टार्ट हो 300 तक जा रहा है, ठीक है। ये अपने फुलझड़ी का सेक्शन ये रहा, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अनार के ऊपर। तो भैया अनार अपना सबसे छोटा कौन सा स्टार्ट है? छोटा साइज है अपना सिंघम का अनार, सिंघम का अनार 65, ये 65 का है। और एक अपना ये पड़ा हुआ, ठीक है, तो एक गिर गया था, ठीक है, ये 65 रुपए का 5 पैक। इससे छोटा कोई अनार अपने पास? इससे छोटा अनार नहीं है अपने पास, वो बेबी अनार आता है, बेबी अनार है, तो चलो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये अपना 65 से स्टार्ट है, इससे ऊपर साइज है ना, इससे ऊपर साइज इसी का बड़ा, ये है 120, ये 120 का, ठीक है, 120 का 10 पीस है। और भाई तुम साइज देख लो, ये वाली साइज आ रही है, ठीक है। और इसके ऊपर जो जम्बो अनार आता है, भाई ये अपना फैंसी अनार, ये अपने 10 पीस का है फैंसी अनार। ये क्या पड़ रहा है? 550, ये 550 का। भाई तुम फैंसी अनार एक बार देखो, कॉर्नेशन का है, कॉर्नेशन का 40 फीट हाइट है, और कलर में है, कलर में मल्टी कलर, मल्टी कलर का है भाई, ये देखो तुम, मल्टी कलर का है। और ये अपना अनार का सेक्शन है, और अनार के सेक्शन में एक और चीज़ दिख रही है, गोविंदा कलर कोटी, तो मतलब अलग अलग चीज़ की कलर कोटी। ये क्या पड़ रहा है गोविंदा? गोविंदा पड़ता है 170 रुपये का। 170 रुपये का इसकी आप
खोल सकते हो साइज। भाई ये भी चीजें काफी टाइम, ये 170 रुपए का है और ये 550। तो भाई साइज देख लो, थोड़ा सा साइज का अंतर है, तो तुम यहाँ के देख सकते हो कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये अपना मतलब इधर फुलझड़ी का सेक्शन था, ये अपना अनार मतलब अनार का सेक्शन है। तो भैया चक्री आप बता सकते हैं? चक्री है ना, ये चक्री अपनी सबसे छोटी से जो मतलब हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता हो फैमिली में, ये अपने बिग साइज चक्री। ये बिग साइज चक्री है, सबसे डाउन में यही स्टार्ट होती है। ये अनिल की है, ये अनिल की। ओके, तो अनिल की है, ब्रांड की है। तो क्या कॉस्ट पड़ रही है अनिल की? 80 रुपए की, और एक में एक के अंदर 25 पीस है। जीरो साइज वाली आती होगी ना जी। ये जीरो साइज है, 80 रुपए की है और एक के अंदर 25 पीस आएगा। तो ये भाई देख लेना, और ये बिग, ये बिग है, ये बिना ब्रांड की है, बिना ब्रांड। और ये क्या पड़ रही है बिग? ये 70 रुपए और 80 रुपए। तो भाई प्रीफर अपना हमेशा ब्रांड में रहेगा। अगर 10 रुपए में अच्छा ब्रांड मिल रहा है, अगर 10 रुपए में अच्छा ब्रांड मिल रहा है तो अपने हमेशा प्रीफर ब्रांड का रहेगा। ठीक है, तो अब कुछ और चक्री का? चक्री में ना म्यूजिकल है, म्यूजिकल में। ये तो बहुत बड़ी लेवल पे हो गई भाई, तुम चक्री की साइज भी देख सकते हो। तो डिस्कोविल में है, डिस्कोविल। ये क्या रेट पड़ रही है देख लो भाई, चक्री की साइज देखो तुम। 165, मतलब एक तरफ चलाओगे और दोनों तरफ चलेगी? नहीं, सिंगल राउंड चलेगी, बाकी ये डिस्कोविल है। अच्छा, डिस्कोविल है, साउंड करेगी। क्या रेट पड़ रहा है ये? 160 में 5 पीस। बहुत सही चीज लग रही है ये। तो इसमें डिस्कोविल में कुछ और भी है फैंसी आइटम में? डिस्कोविल में अपना ये फिर ये आता है, ये साउंड वाली चक्री, विस्लिंग वाली। ये विस्लिंग वाली चक्री है, इसकी साइज छोटी लग रही है। ये क्या रेट पड़ रहा है? ये अपनी 160 रुपए की स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड की। और कितने पीस अंदर? 10 5 पीस। 5 पीस आएगी स्टैंडर्ड की, 160 रुपए की। इस बार पटाखे सच में महंगे भाई। तो भैया जमीन को तो रहने देते हैं, अब चलते हैं आसमान की तरफ। तो अपना जीरो साइज रॉकेट या सबसे छोटा रॉकेट कितने तक के स्टार्ट है? रॉकेट अपना है ये उमा का, 60 रुपए का रॉकेट। उमा का 60 रुपए का 10 पीस आएगा। तो ये अपना सबसे छोटा साइज रॉकेट जो तुम दिख ही रहा होगा भाई। बेबी रॉकेट जो आता है तो फिर कोई काम का नहीं, बेबी रॉकेट की हाइट उतनी रहती नहीं, तो ये हाइट फिर भी ठीक है। तो इसके ऊपर अगर जाए तो भैया मीडियम साइज रॉकेट जैसे कि ये दिख रहा है अपने को, ये पड़ा हुआ अनिल का, इसको भी ओपन कर दोगे 2 मिनट? ये अनिल का रॉकेट है जो ये अपने स्टेज के अंदर अवेलेबल है भाई, जो दिखा चुका हूँ। ये क्या रेट पड़ रहा है भैया? 160 रुपीज का है। और अनिल का रॉकेट देख लो यार, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है क्योंकि अनिल का है। ठीक है, और इसके ऊपर मेरे को एक मार्क 1 दिख रहा था। वनिता का बिल्कुल, ये क्या पड़ रहा है? इसकी हाइट भी अच्छी है, ये पड़ता है 220 रुपए। ये 220 रुपए का पड़ेगा भाई। आगे जैसे सबके ऊपर प्लास्टिक मतलब पेपर वो कैप रहती है, इसके अंदर प्लास्टिक कैप है। प्लास्टिक कैप है, ब्रांड है वो वनिता का ब्रांड है। और इसमें क्या स्पेशल चीज है? क्या स्पेशल? ये कलर में ना मार्क 1 ऊपर जाके फूटता भी है। अच्छा, कलर में है और ऊपर जाके फूटेगा भी। तो भाई ये रखा ले कलेक्शन। इसमें साइज एक सबसे ओवर साइज सबसे बड़ी आपकी शॉप की, टेबोर का वो बाद में एक विस्लिंग होता है अनिल का, वो बहुत बढ़िया रहता है। तो विस्लिंग अपने पास अवेलेबल नहीं अभी? विस्लिंग है, बाकी दूसरा है आप बता सकते हो? ये वाली साइज जो पड़ी है ये विस्लिंग है, इसकी साइज तो चलो उसके बराबर ही मार्क 1 के। तो ये इसका क्या फंक्शन है भैया? 180 का, ये भी ऊपर जाएगा फिर विस्लिंग करता हुआ जाता है, ये विस्लिंग करते हुए जाता है। वो 10 रॉकेट है, क्लासिक चीज है। और ये जो ऊपर की सबसे बड़ी साइज थी उसका एक सैंपल यहाँ निकला हुआ है, तो भाई तुम साइज देख सकते हो। ये सबसे बड़ी साइज है, बड़ी साइज, हाइट भी अच्छी है इसकी, इसकी हाइट भी अच्छी है। तो भाई ये क्या पड़ रहा है पूरा पैकेट? ये 220 रुपए, ये 220 रुपए का पड़ रहा है मालवा फायरवर्क्स शॉप पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भैया आप फटाफट से ये हो गया, तो आप अपने पास कालिया बम के कुछ पैकेट मतलब जो आते हैं रस्सी बम राहू के फेमस जो है? राहू के रस्सी बम, कालिया बम का सन का क्लासिक अच्छा आता है। कालिया बम जैसे क्या पैकेट तो चेंज होते रहते हैं, बाकी बम शानदार शानदार, साउंड भी अच्छा है, बम भी बढ़िया। अपन ने हमेशा स्क्वायर मतलब क्यूब टाइप में देखा है, तो वैसे बहुत सारे हैं, बाकी क्या फूटने में जानदार और चीज भी है मतलब। तो भैया कह रहे कि ये जानदार है। तो ये क्या पड़ रहा है 10 का सेट भैया? पड़ेगा 70 रुपए। 70 रुपए में 10 का सेट पड़ रहा है। पैसे तो, पैसे में तो आग लगे रहे, बाकी चीज अच्छी लो तो फायदा है ना। अच्छा, भैया का डायलॉग है पैसों में आग लगा रहे हैं तो चीज अच्छी लो, तो भाई भैया इसको प्रीफर कर रहे हैं। इसके अंदर अलग अलग साइज में आते हैं भैया? हाँ, अलग अलग साइज में आता है ना। हाँ, तो आप वो बता सकते हो भैया? ये नाजी अनिल का जो है ये हमेशा हर शॉप पे अवेलेबल रहता है। विशाल पावर, विशाल पावर, इसकी आवाज
आवाज शानदार अच्छी है। तो ये क्या रेट पड़ रहा है? बहुत ठीक है इसका 45-50 रुपए का, ये 50 रुपए का, ये 50 रुपए का भाई। अलग अलग शॉप के ऊपर अलग अलग तरीके के आपको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ कालिया बोलते हैं तो याली चीज है जी। इसी का एक और माधव पावर 40 रुपए का है। ये 40 रुपए का मतलब हर दुकान पे अपना एक अलग ही स्टॉक रहता है, तो यहाँ सारा स्टॉक अलग है जो मैंने तो पहली बार देखा भाई। ठीक है, इसमें नाजी मतलब ये जो अनिल का है ये कॉमन है सब में से। तो आप ये क्या पड़ रहा है? ये अनिल का अपना 86 रुपए का, 86 का। ये हर शॉप में मिलता था यार, हर शॉप की प्राइस तुम्हें पता ही है, तो यहाँ 86 का मिल रहा है, तो तुम अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेना। तो ये अपना एटम बम का सेक्शन हो चुका है। एटम बम में अपने वीआईपी या समथिंग कुछ और तरीके के वीआईपी का जंगल है, बाकी वीआईपी है, बाकी वो भी खुला। तो जंगल क्या पड़ रहा है अपना? जंगल पड़ेगा अपना 120 रुपए। जंगल 120 रुपए का। कितने पीस आएंगे? 120 में 10 पीस आएंगे। ये अनिल का आइटम है भाई, एक पैकेट 120 रुपए का एक पैकेट है। तो इसकी साइज है भैया बता रहे हैं, तुम्हें पता पड़ जाएगा भाई। बेटा अनिल का आइटम मैंने पहली बार देखा, तो भाई अच्छा इसको भी इस साइज में दे रखा है, तो ये देख लो भाई। ठीक है भैया, तो अब ये अपने हो गया। बच्चों के कुछ फैंसी आइटम भैया जैसे ये पड़ रहा है, आप ऐसे हाईलाइट में बता दीजिए। इसमें एक चीज नहीं देखी थी भैया, अनिल हेलीकॉप्टर जो उड़ता ना ऐसे हवा मुड़ता जो करके निकल जाता है ऊपर। इसकी टेस्टिंग अपन कर चुके हैं, वो बड़ी साइज थी, ये छोटी साइज है। तो भाई देख लो ये क्या रेट पड़ रहा है। ये देख लो भाई, इसकी टेस्टिंग तुमको अपने चैनल पे मिल चुकी, नहीं देख मिली तो भाई पहले वाला चैनल मतलब वीडियो जाके देख लो तो ये पता पड़ जाएगा। तो ये क्या रेट पड़ रहा है? 120 का। वो 100 के 5 थे और 120 में 5 मिल रहा, तो बिल्कुल भाई ये ठीक है। आप कचरा बम बता दो भैया, कचरा बम अपने क्या रेट से स्टार्ट है? इसको रख देते हैं यहाँ भैया की दुकान गंदी नहीं हो। पॉल्यूशन फ्री चटचट अपना, पॉल्यूशन फ्री। तो क्या पड़ रहा है चटचट अपना? एक पैकेट 10 रुपए का पैक। ठीक है भाई, ये शॉप पे अपना 10 रुपए का पैक पड़ रहा है। एंग्री बर्ड पॉप अप जो हर दुकान का अपना अपना रेट रहता है। ठीक है भैया, तो अपना आप बंडल लेते हैं अपन, तो बंडल का होलसेल रेट अलग है भाई, एक रेट लोगे तो वो अलग है। ठीक है, तो भैया कचरा बम बता दो ना आप, कचरा बम क्या पड़ रहा है आपने? कचरा बम यहाँ अवेलेबल है राका का। ठीक है, तो ये क्या पड़ रहा है? 280 रुपए का पूरा 10 बंडल, पूरा बंडल 10 का सेट 280 रुपए का। ठीक है, और ये अलग अलग है। ये नीचे वाला 10 का सेट क्या पड़ रहा है? ये 6 इंची है, ये 6 इंची का। ओके, ये 6 इंची का है भाई बंडल, देख लो। तो ये क्या पड़ रहा है भैया? 340 रुपए। बेस्ट क्वालिटी लिखा हुआ है, तो ये 340 रुपए का पड़ रहा है। तो अलग अलग क्वालिटी ठीक है। तो भैया अब ये अपने जमीन को छोड़ते हैं, अपन आसमान को पकड़ते हैं। अपने सबसे नीचे वाला स्काई शॉट कितने का? अनिल का रंग चक्र, अनिल अपना रंग चक्र क्या पड़ रहा है भैया? 160 रुपए का रंग चक्र है। ये अपना राव के प्राइस है भाई। ठीक है, इसको अलग सिटी से कंपेयर मत करना, ये राव के प्राइस है। ठीक है, तो अब 12 से ऊपर कोई शॉट? 12 से ऊपर है ना, अपने फिर 25 शॉट है, 50 शॉट। 25 शॉट क्या पड़ रहा है भैया? 25 शॉट अपने पड़ता है ना, ये क्या बोलते हैं, 450। 450 रुपए का 25 शॉट पड़ रहा है अपने अनिल का। दिलकुश जो है, दिलकुश मन पसंद है, दिलकुश 50 शॉट है वो। ठीक है, ये अपना स्टॉक है जो तुमको पता है। ठीक है, इसके ऊपर 50 वाला अपने 100 शॉट क्या पड़ रहा है अनिल का? 100 शॉट अपना 1350 से 1400 के बीच तुमको मिल जाएगा, ये अपने राहु के प्राइस है। ठीक है, तो और ये अपने अनिल के दो डंडे, ये दो डंडे हैं अपने 750 रुपए। तो भाई ये पड़ा पूरा स्टॉक तुम्हें पता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें है जैसे फोटो फ्लैश है, फैंसी आइटम्स है। ठीक है, तो क्या रेट पड़ रहा है ये? 160 रुपए की पड़ रही है। और ये अपना एक और ये फिश टाइप कुछ दिख रहा है भैया, रॉकेट जाता है वैसे, जेली फिश जाती है, तुम एक फोटो में दिख सकता है, तो सेम ऐसी जाती है भैया। तो भैया यहाँ फैंसी आइटम्स भी अच्छे अच्छे हैं, मतलब स्टॉक भी अच्छा है, अभी पूरा मार्केट सेट हो रहा है, बहुत सारी शॉप लगी नहीं है, तो तुम यहाँ विजिट कर सकते हो राव के अंदर मालवा फायर वर्क से। ठीक है, तो ये आप आके भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये रेट राव के हिसाब से है भाई, इसको अलग सिटी से कंपेयर मत करना कि वहाँ सस्ता मिल रहा है यहाँ महंगा मिल रहा है, तो ये राव के हिसाब से रेट है। तो बाकी तुम आके भैया की दुकान पे विजिट करके भैया से मिल सकते हो और रेटे ले सकते हो। दिवाली के आसपास शायद रेटे हाई भी हो सकती है, ऊपर नीचे थोड़ा होता है, ऊपर नीचे चलता है। वैसे भी इस बार पटाखे 30-40% महंगे, तो भाई तुम्हारे हिसाब से आराम से आके विजिट कर सकते हो। तो भाई ठीक है, तो और कुछ चाहिए तो कमेंट करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो। On a new adventure.